साहेब ने हर तरह का भ्रष्टाचार कर लिए, गलत काम कर लिए, क्या क्या कर लिए, एक्स वाई जेड अंदर बाहर के सब काम पूरी जनता जानती है। अब जो समाज की जगह पर ताबा करके बैठे, कब्जा करके बैठे, और उसकी मैंने ऐलान तकरार किया हूँ, और ये गालियाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई छुप कर वार कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, मैं अपने नाम से तकरार किया हूँ, आज नहीं कई महीनों से कर रहा हूँ, और बाकायदा मैं अपने अब तक के ऑडियो क्लिप भेजता था, अभी वीडियो बना बना के भेज रहा हूँ कि मैंने तकरार किया हूँ, मेरे नाम से मेरे पते के साथ तकरार है। और ये इस तरह कह रहे हैं कि भाई लोग इनके पीछे पड़ गए हैं और पीछे पड़ने वालों का भला नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो आपने जो भ्रष्टाचार करे, जो भी चीज़ें करे हैं एक्स वाई जेड अंदर और बाहर की, जनता समझदार है, समझ जाएगी। इतनी मतलब बातें अगर मैं करूँगा तो मेरी जबान गंदी हो जाएगी अगर मैं कारनामे गिनाने बैठूँ, क्या क्या करे जनता सब जानती है। तो ये कह रहे हैं कि भाई तकरार करने वालों का, पीछे पड़ने वालों का भला नहीं होगा। तो आपने जो हक मारे है, समाज की जगह दबाकर बैठे है, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार में आप साक्षीदार और भागीदार रहे हैं। अगर आप कहते कि आपने एक पैसा नहीं खाया तो जो चप्पा मिलता है रोज़ वो कहाँ से आता है ना? कैसे है कि इनकी औकात ही जूते चप्पल में बैठने की, एक चप्पे में बिक जाते हैं। करोड़ों का भ्रष्टाचार किसी और ने करा, इनके हाथ में एक चप्पा थमा दिए, इस चप्पा पी के अपनी दुनिया में मगन रहे, और फिर बोलते मैंने एक रुपया नहीं खाया। तो इतना सब कुछ जो महाजल का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, और दिन पर दिन भ्रष्टाचार होती जा रहे, मुस्लिम समाज को जो घरकुल के पास से वंचित कर दिया गया, तो ये सब में आप कुर्सी पर हो, आप जिम्मेदार हो, और अपने आप को आप बड़ा बोलते भी हो कि हम बड़े हैं, है ना? तो बड़े हैं तो जिम्मेदारी आप पर ही आती है इतना सब कुछ जो हुआ है। और अभी भी इंसानियत इसी में है कि जो समाज की जगह है उसको समाज के इस्तेमाल में रहने दिया जाए। अभी अगर कोई कहे कि मेरे घर के सामने की जगह है, मेरे पास खरीदिए, तो ये भी मेरी है, तो ऐसे ही हर कोई ताबा करता रहेगा। और अगर आपका उस पर हक है और मेरी तकरार गलत है, झूठी है, और उसमें कोई तथ्य नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो एक की जगह दो क्वार्टर पीने की भी ज़रूरत नहीं है। फैसला जो है तो सच्चाई का होगा, सत्य में जय थे। तो आप जो इस तरह गालियाँ दे रहे हो और सामने आकर मैं नहीं काम नहीं कर रहा हूँ इस तरह की बातें कर रहे हो, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो, आप जगह के मालिक हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर की न्यायालय में जब मैं केस दाखिल करूँगा तो वहाँ फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो आप घबरा किस चीज़ से रहे हो? सत्य की जीत होगी। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।